समय समय पर प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ाने की आवाज उठती रहती है। कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले ही कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी को सक्रिय रूप से राजनीति में आ जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। इस बीच अब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ऐसा कहा है कि जहां से कांग्रेस में फिर से प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर चर्चा होने लगेगी, खासकर इसलिए भी कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में, मैं हूं गरिमा गौर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के कयासों को और बल मिलता हुआ दिख रहा है। इस बार किसी बड़े नेता ने नहीं बल्कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका को भारतीय संसद में होना चाहिए, उन्होंने निश्चित रूप से लोकसभा में होना चाहिए, उनके पास वो सभी योग्यताएं हैं जो एक अच्छे नेता में होनी चाहिए, वो वहाँ अच्छा काम करेंगी, वो वहाँ होने की हकदार हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसे मानेगी और उनके लिए बेहतर कुछ तैयारी करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि नकारात्मक सोच वाले लोग जहां भी होंगे सिर्फ नकारात्मक ही फैलाएंगे और यहां दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग संसद में भी हैं। उनके पास महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए काम करने वाला मंत्रालय है, फिर भी वे संसद में नकारात्मक फैलाने के अलावा मणिपुर के बारे में क्या बात करती हैं? वे उस व्यक्ति के बारे में कुछ कहती हैं जो वहां मौजूद भी नहीं है। मैं संसद से दूर रहता हूं। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मैं राजनीति से जुड़ी किसी भी बात पर तभी बात करता हूं जब सरकार मेरा नाम लेती है। इस सरकार को सत्ता में आए हुए 9 साल हो गए हैं। सरकार जब भी किसी मुद्दे पर घिरती है तब उन्होंने हमेशा मेरा नाम का मेरा इस्तेमाल किया। उन्होंने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मेरे नाम का सहारा लिया, इसलिए मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को देश की कई पार्टियों का अच्छा साथ मिल गया है और हम भाजपा को 2024 में कड़ी टक्कर दे पाएंगे। लोग देश में बदलाव और प्रगति चाहते हैं। उनके पास स्मृति ईरानी की बकवास सुनने के लिए समय नहीं है। प्रियंका गांधी का भारत की राजनीति में क्या भविष्य होने वाला है ये आने वाले वक्त ही बताएंगे। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।